नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 43 वर्षीय व्यक्ति के हस्तरेखाओं के बारे में। पहले मैं उंगली के फलों को बोलता हूँ, फिर पर्वों के फलों को बोलूँगा और अंत में आपके जीवन के अंतर्गत बोलूँगा मैं यहाँ पर आपकी रेखाओं के बारे में। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपके यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये अपने आप में अच्छा फल नहीं कहलाता। व्यक्ति का जीवन में सामान्य रूप से सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसे लगता है देखने में मेरे पास सब कुछ है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसी उंगली हो यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना ना आए। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना आता है और आया अब इस समय पर है। कब खत्म होगा, क्या होगा, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से प्रबल है, मजबूत है। सूर्य पर्व सेकंड पर्व आपका किसी भी प्रकार से किसी से लड़ने झगड़ने की नीयत नहीं है। और तीसरे पर्व पर लगी हुई हैं मोटी राहु रेखाएं, यानी इस समय धन के लिए चल रहा है संघर्ष। तो अब बात करते हैं आपके सेकंड उंगली के बारे में। ये सूर्य की उंगली है, इसके पर मैं यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई बहुत ज़्यादा माइनस रेखा नहीं, हल्का सा है तो इसको कह सकते हैं कभी कभी भाई चलिए थोड़ा सा मेरे कार्य पे, मेरे यश पे, मेरे सम्मान पे एक हल्का सा ग्रहण लग रहा है जिसकी वजह से मुझे मानसिक टेंशन है। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित कोई लाभ नहीं है, कोई अग्निकांड नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ऊंचा सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है तो किसी भी प्रकार की बदनामी का योग भी नहीं है। तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर परिवार के लिए जाना जाता है, पिता का परिवार, पिता से सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। आइए अब बात करता हूँ मैं आपकी तीसरी उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व बताएगा आपके अंदर स्थायी रोगों के लिए, किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं। द्वितीय पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा मोटे कर्ज में आने की स्थिति नहीं है। ये रेखा थोड़ी सी जो यहाँ जीवन में आई है इसका प्रभाव वर्तमान में आपके समय पर चल रहा है। इसका प्रभाव वर्तमान में समय चलने का कारण यानी इस समय पर धन की स्थितियों पर लगातार उतार की स्थिति है। ऐसे समय पर व्यक्तियों को कुछ धन संपत्ति बेचनी भी पड़ जाती है कभी कभी, और कई बार धन व्यक्ति को एक तरह से कहते थे कि भाई डूब भी जाता है। तो बस चलिए इसका कब तक प्रभाव रहेगा, कब से आपके जीवन में अच्छे समय आएगा, ये मैं आपको बताऊँगा आगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। स्थिति कुछ भी है फिर भी अपने परिवार का संचालन करने में आप समर्थ हैं। प्रथम पर्व देखा जाएगा, बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन के अंदर बताता है कोलेस्ट्रॉल शुगर जैसी बीमारियों को ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्वत पर भी ऐसा हो सकता है कि इस समय कुछ व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहा हो तो हल्की सी दो माइनस रेखाएं हैं, तो इनका कोई ऐसा अर्थ नहीं कह सकते कि पति पत्नी के बीच में कोई अलगाव वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। तीसरे पर्व से संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व बुध पर्व के बारे में। ये बुध का पर्व और यहाँ पर इन स्थायी रेखाओं का होना, अगर एकदम सम चलती हैं, एकदम समान बैलेंस के साथ चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष नहीं होता, थोड़ी आड़ी टेढ़ी चलती हैं। धन के तो निरंतर बने रहेंगे परंतु उसके अंदर थोड़ा सा संघर्ष हो जाएगा, बस इसको ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के ऊपर। सूर्य का पर्व पे किसी प्रकार की सरकारी नौकरी का कोई उपक्रम दिखलाई नहीं पड़ता। व्यापार के अंदर व्यक्ति को चलायमान होना जरूर हो जाना चाहिए कि भाई व्यक्ति जितने दौरे करे, जितना अपने व्यापार में दूर पास के लोगों से जुड़े, उतना ज़्यादा कुल मिलाकर फल अच्छा मिलता है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये एक दूसरे को काटने वाली 3 से 4 रेखाएं हैं। व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने बार बार दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट करके व्यापार करे और उसके कारण उसके जीवन के अंदर संघर्ष या मेहनत ज़्यादा हो जाती है। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कहता कि कोई बदनामी वाली बात है, लेकिन व्यापार के अंदर कुल मिलाकर भागदौड़ जरूर और सम्मान के लिए संघर्ष। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, शनि का पर्व। और इसमें ये रेखा यहाँ पर है, इस रेखा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
अभी इसका रोल शुरू नहीं हुआ है आपके जीवन में, कहाँ से शुरू होने वाला है ये मैं आपको अभी थोड़े समय बाद बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा पर भाग्य पर्व पर रेखाएँ हैं अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं है, शनि का पर्व अभी आपका ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है ऐसा आप कह सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। ये तो मल्टी टैलेंटेड रेखाएँ हैं जो शनि पर्व को देखती हैं। व्यक्ति ज्ञान लगाता है, बुद्धि का प्रेशर बनाता है और उसके बाद धन के आगमन बनाने का प्रयास करता है। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं जो प्रयासरत जरूर होनी चाहिए। ये अच्छी रेखाएं यदि शनि पर्व को देखती हैं तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बनाए रखती हैं जो बाद में जाकर के व्यक्ति के धन के आगमन बनाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखा यहाँ पर। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। ये हृदय रेखा और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसमें से नीचे ऊपर ऊर्जात्मक रेखाएं लगी हुई हैं। किसी प्रकार का कोई बीमारी का इंडिकेशन नहीं, किसी प्रकार से पत्नी के साथ कोई, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक है, पत्नी के साथ किसी तरह का अलगाव की बात नहीं और स्वास्थ्य भी ठीक है और कोई हृदय रेखा से संबंधित काम बात भी नहीं है। अपने आप में ऐसा कह सकते हैं आप अपने मन पर अभी काबू पाए हुए हैं, अपने मन की जो स्थितियाँ हैं उन पर काबू पाए हुए हैं। यहाँ पर बात करूँगा मंगल पर्व, निम्न मंगल पर्व में कुछ रेखाएँ आपस में काटने वाली रेखाओं के रूप में हैं। यहाँ से ये तो बीच का पर्वत हो जाता है अगर बात करते हैं इसकी, लेकिन ये नीचे मंगल का आयु रेखा के पीछे वो पर्व होता है जिस पर कर्म रेखा रूपी रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं। ये अपने आप में जहाँ कुछ चलती हैं तो वहीं इनको कुछ रेखाएँ आड़ी तिरछी काट करके भी दिखाई देती हैं। यानी आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएँ हैं जो इस तरह काटें तो आपके जीवन में मेहनत के फल को पूरी तरीके से नहीं दिखाती, जब ये आड़ी रेखाएँ काट देती हैं तब। तो यहाँ अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा किसी भी व्यापारी की इस प्रकार की होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? स्वतंत्र फैसले लेने में व्यक्ति एकदम अच्छा होता है। दूसरा, ये वाणी है जितनी बृहस्पति के पास से चलेगी वाणी से आदमी का व्यापार चलता है, वाणी बिल्कुल बढ़िया। तीसरी बात, व्यक्ति अपने आप में ऐसा व्यक्ति जहाँ जो फैसला ले लेता है उससे काम को लेता है और लेकर के ही निपटता है, भले उसे संघर्ष करना पड़े तो उसमें हिम्मत करने की ज़्यादा ताकत होती है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि रेखा बहुत अच्छी यहाँ पर कहलाती है। बात करता हूँ इसके बीच में जो लगे हुए निशान थे, ये वाले, ये जो इस तरह की यहाँ पर जो निशान थे, इन रेखाओं के बारे में यदि बात करता हूँ तो ये समझ लीजिए कि अर्धांगिनी साथ रहती है, कभी कभार पत्नी के साथ तू तू मैं मैं की बात आती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुछ क्रोधी स्वभाव का भी होता है। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत पर कुछ रेखाएं काटती हैं, ऐसा थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिए, किसी मुकदमे से किसी झगड़े झंझट से बचने का प्रयास कीजिए, हालांकि उसमें विजय प्राप्त होगी लेकिन उससे बचने का प्रयास कीजिए। नीचे का चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं से प्रभावित दिखाई देता है। कुछ रेखाएं जहां ऊपर प्रगति के लिए जाती हैं तो कुछ आड़ी रेखाएं प्रगति के रास्तों को रोकती भी हैं। तो चंद्र पर्वत से जो रेखाएं निकल निकल के चलने का प्रयास करती हैं तो उनको एक ही रेखा काटने का प्रयास करती है। जो आड़ी रेखा जा रही है इसको कहते हैं दूर प्रांतों से जुड़ करके व्यापार करने के लिए। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है, इसको अगर थोड़ी और रेखा मिल के आयु रेखा तक पहुँच गई तो निश्चित रूप से उस समय पर आप विदेश यात्रा भी कर पाएंगे। कुल मिलाकर के ये अपने आप में जो शुक्र पर्वत तक से संबंध बनाती हैं, केतु से होकर जाती हैं, थोड़ा सा रुकावटें जरूर आती हैं लेकिन अपने जीवन के अंदर व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर लेता है। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। बुद्ध रेखाएँ, भाग्य रेखाएँ जो पीछे की तरफ से थी, व्यापारिक रेखाएँ इस तरह की जो रेखा यहाँ पर गई थी, ये व्यापारिक रेखाएँ किस तरह जाके सूर्य पर्वत से भी संबंध बनाती है ऊपर तक जा करके, तो ये कुल मिलाकर व्यापार के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ उठाने वाली रेखाएं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। अगर आप भाग्य रेखा को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का संबंध यहाँ भी ये दूर स्थान वाली रेखा से बना था। यहाँ से बना, इसके बाद एक ट्रायंगल बना यहाँ पर ये, और फिर यहाँ एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास किया और फिर ये आड़ी रेखाओं ने काटा और अंत में ये राहु रेखा से पर्वत से ये पर्वत से रेखा गई। यानी कि आपके जीवन में जो पिछली रेखाएं हैं काटने वाली उनसे ये अकेली जो रेखा बाद में राहु पर्वत से गई है ये बताती है कि आपके जीवन के अंदर मैं बहुत उलट फेर कर दूंगी, बहुत अच्छा समय यहाँ से दूंगी। किस समय से दूंगी फिर दोबारा बताने वाला हूँ थोड़ी देर में आपके सवाल के अंतर्गत।
चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में, और वो पर्वत है आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर अभी बहुत सारे, अगर मैं यहाँ देखूँ तो कच्छप कह सकते हैं, ये कच्छप तो नहीं है लेकिन एक तरीके से जैसे झींगुर किसी पर प्रति बनती है, तो ये थोड़ा सा अड़चनों के लिए मानी जाती है। कभी कभी इसको बोलते थे हैं कि ये अपने आप में एक तरह का आपके जीवन के अंदर एक अवरोध है, उसको दूर हो जाएगा समय के बाद, कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो शुक्र पर्वत अभी पीड़ित है, अभी संसाधनों पर कैंची चली हुई है। अब बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर बाद में जाकर दो मुखी हुई, निश्चित रूप से बुढ़ापा सुरक्षित, और ये आयु रेखा लगभग पहुंचती है आपकी 78 से 80 वर्ष के आसपास। तो सब रेखाओं के बारे में जैसे फल थे उनके मैंने बोले हैं, ये फल बोलना और सवालों में पहुंचना ये बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ये बिल्कुल अलग होता है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आपने सवाल पूछा है, सबसे पहले आप कह रहे हैं 8 साल से व्यापार धीरे धीरे कम हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना होता है। पिछले 8 साल की रेखाएं तो हाथ में नहीं रही, लेकिन कुल मिलाकर आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हाथ में थोड़ी बताती हैं रेखाएं कि हाँ पिछला समय डिफिकल्ट रहा, अब कोई काम नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है, ये मुझे दिखाई देता, चल तो रहा है लेकिन मंदा चल रहा है मुझे तो दिखता है, और आगे जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, और कोई समस्या दिखे तो आप बताएं। चलिए मैं बताता हूं आपको कि वो जो राहु रेखा जिसको मैं कह रहा था उसका आपके जीवन के अंदर कब से अच्छा उदय होगा, जब से आप धन का बढ़िया सा आगमन बना पाएंगे। तो यहाँ ये राहु रेखा ये बताती है कि लगभग आपके जीवन में, ऐसा समझ लीजिए कि मैं कहूँगा कि अप्रैल इससे समझ लीजिए या मध्य 2022 में समझ लीजिए, ऐसा समझिए लगभग 44 वर्ष के आसपास कहीं ना कहीं से एक नया उदय होगा और आपके व्यापार में अच्छा गेन होगा। यानी आने वाले समय का इंतजार कीजिए, अच्छा धन भी होगा, अच्छा व्यापार भी चलेगा, सही डिसीजन भी होगा और तरक्की भी होगी। तो निश्चित रूप से जो समय था, चलो हो सकता कोई दशा ऐसी खराब हो जाए या स्थितियां बन जाती हैं उससे रहा हो, लेकिन आगे वाला समय अच्छा है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी रेखा आपके पास है जिसके द्वारा मैंने बताया है। थोड़ा सा मैं कहूँगा आपसे कि जो मैं उपाय बता रहा हूँ जरा उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उन्हें कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें थोड़ी किसी प्रकार की अड़चन रह जाए। क्या करें आप एक माणिक्य इस उंगली के अंदर धारण करें, यहाँ पर धारण कर लीजिए एक अच्छा सा माणिक्य, बस रतन ये केवल यही पहनना है आपको। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ हनुमान जी, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण ये पूजा कर सकते हैं, और एक आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ निश्चित रूप से प्रतिदिन कीजिए। इन दोनों को कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा और आदित्य हृदय स्रोत, और माणिक्य पहन लीजिए। बस थोड़े समय बाद आपका समय शुरू होने वाला है और मैं नहीं चाहता उस पर कोई आड़ी तिरछी रेखा आके उसको काटे। तो अपने जीवन में आप तरक्की करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।